अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं ज़ैन अली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये सेट है फिलिप्स का, तो ये बिल्कुल डेड है, तो इसको पावर दी है लेकिन ऑन नहीं हो रहा। तो ये पावर विजन लिखा हुआ है, इसका मॉडल भी दिखा देते हैं, मॉडल कौन सा है। तो चलो इसको रिमूव करते हैं, बैक को रिमूव करके चेक करते हैं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जी मैंने इसको ओपन कर लिया है, तो इसमें चाइना की किट जो है वो ऐड की गई है, लगाई हुई है। पहले इसकी जो ओरिजिनल फिलिप्स का बोर्ड है वो नहीं है, इसमें चाइना की किट है। तो ये इसकी किट है, मैंने इसको थोड़ा सा ट्रेस भी किया कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये करता क्या है। मैंने इसको पावर दी हुई है, तो हम मल्टीमीटर को ऊपर देख सकते हैं। तो जब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं, मसलन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्ट मिल रहे हैं, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। इस तरह वोल्ट 33-32 से ऊपर जाते हैं, फिर बैक आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर बैक आ जाते हैं, ये इसकी कंडीशन है। इसके अलावा जब नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे वोल्ट हमें मिल रहे हैं 6.6 वोल्ट, ठीक है, 7.8 यहाँ पे वोल्ट मिल रहे हैं 3.2। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो यहाँ पे भी हम 35-34 ये वोल्ट, ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये फॉल्ट कहाँ पे आता है, ये फॉल्ट होता है ज़्यादातर पावर सप्लाई का फॉल्ट होता है। पावर सप्लाई यानी कि ओके है, पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका फॉल्ट है इसकी वेरिएबल का। तो इसकी जो वेरिएबल है वो अगर ख़राब होगी तो ये कंडीशन होगी कि वोल्ट कम और ज़्यादा होते रहते हैं, ज़्यादा होते हैं फिर कम हो जाते हैं, कम होते हैं कभी ज़्यादा कभी कम, ये इसकी कंडीशन होती है अगर इसकी वेरिएबल ख़राब होगी। तो ये इसकी वेरिएबल है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, ये इसकी वेरिएबल लगी हुई है यहाँ पे। तो ये जब ये वेरिएबल ख़राब होगी तो वोल्ट कम और ज़्यादा होते रहते हैं, कम और ज़्यादा, ये चाइना बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब हम इस वेरिएबल को चेंज करते हैं, चेंज करके फिर ट्राई करते हैं। ये इसकी ये वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है, ये ख़राब है। तो जी अब देख सकते हैं ये वेरिएबल मैंने चेंज कर दी है। तो अब हम इसको पावर देते हैं, पावर देके चेक करते हैं, इसके वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसको पावर देते हैं, ये पावर दे दी तो सेट हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है, ये हीटर इसका चल गया, आप देख सकते हैं। अब इसके वोल्ट जो हैं वो भी एक जगह स्टेबल हो चुके हैं, क्योंकि जब वोल्ट कम ज़्यादा होंगे तो इसकी वेरिएबल ख़राब होने की वजह से वोल्ट जो हैं कभी ज़्यादा कभी कम होते जाते हैं, ठीक है। ये 110 पढ़ने चाहिए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 1.5 यानी कि 105 वोल्ट, ओके, ठीक है। ये इसका हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे वोल्ट देख सकते हैं कितने, 104, 105, ठीक है, हमारा सेट बिल्कुल ओके हो चुका है। देख सकते हैं वोल्ट में बिल्कुल ओके हैं, वोल्ट कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं हो रहे, ठीक है। तो पहले ऐसा होता था वोल्ट कम और ज़्यादा, कम कभी ज़्यादा, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 वोल्ट मिल रहे हैं, बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी सेट की, कोई भी चाइना के बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह की कंडीशन होगी जब वोल्ट जो है वो आप अगर आप पावर सप्लाई इसकी ओके है, लेकिन जब हम इसके चेक करते हैं आगे वोल्टेज के चेक करते हैं तो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है इसकी वेरिएबल की। तो वेरिएबल चेंज करने से हमारा मसला जो है वो ठीक हो गया।
तो आप देख सकते हैं सेट हो गए। इसमें वीडियो लाइनें आ रही हैं इसकी, जो बाकी सेट हमारा ऑन हो चुका है।